रहमान रहीम, इस वक्त हमारे साथ जनाब दानिश अली नकवी साहब मौजूद हैं जो कि इधर अरबाइन हुसैनी के सिलसिले में तमाम इंतजाम देख रहे हैं और साथ ही साथ अरबाइन हुसैनी के सिलसिले में खसूसी पैगाम भी ये मोमिनीन को देंगे। तो जी दानिश साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो क्या पैगाम आप देंगे अरबाइन हुसैनी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पे एक चीज़ दोबारा अपने सामईन तक मीडिया के जरिए बताते चलें, ये सब अज़ादार मिलकर मैनेज कर रहे हैं, हम इन अज़ादारों के खादिम हैं। और दूसरा पैगाम ये है, हमारा हर उठने वाला कदम हमें अपने वक्त के इमाम से करीब कर रहा है और इंशाल्लाह अगर हम कर्बला ना जा सके तो अपने वतन के अंदर इस कर्बला में हाजिर रहेंगे, अपने बच्चों के साथ, अपने खानवादों के साथ और अपने शहदा से तजदीद आयद करेंगे कि अदादारी सैयद शहदा हमारी शहरा के हयात, जो आशिक हुसैन है वो आशिक रसूल है, जो आशिक रसूल है वो आशिक हुसैन। जी आप थोड़ा सा ये आपने देखा होगा कि ये जुलूस के अंदर पाकिस्तान के झंडे भी मोमिनीन लेके आए हैं, ये कितनी अच्छी मिसाल है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम ये पैगाम देना चाहते हैं, हम इस वतन के वफादार बेटे हैं, हमसे ज़्यादा वफादार कोई नहीं क्योंकि हमने ये दर्द अपने आइमा से लिया है। इंशाल्लाह ये मिशी पाकिस्तान को बचा सकती है, इसीलिए हमने अशार लगाए हैं, हुसैनियत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।